दोस्तों, अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर तो आप गूगल क्रोम तो बेशक यूज करते होगा और कभी न कभी आपने गूगल पे कुछ ना कुछ जो था अटपटांग चीजें उल्टे सीधे तो जरूर सर्च की होगी और बाद में चलकर आप उस चीज को होता है डिलीट करने के लिए उतावले रहते हो। चाहे आपने तो ये चीज सर्च किया हो या फिर आपने वो चीज सर्च किया हो या फिर आपने वो वाली वीडियो क्यों नहीं सर्च की हो, तो आप ये सारी चीज को डिलीट करने के चक्कर में लगे रहते हो। तो कोई बात नहीं, तो आज की वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं, अगर आप गूगल पे कोई भी चीज को सर्च कर लेते हो, अरे कोई बात नहीं मेरे दोस्त, सब चलता है। लेकिन हाँ, अगर आप हमारे बताए गए इन स्टेप्स को होता है प्रॉपरली रूप से फॉलो कर लेते हो, तो आप गूगल की एक दिन की क्या, दो दिन की क्या, आप गूगल की 5 साल की बैक हिस्ट्री को होता है परमानेंटली रूप से होता है डिलीट कर पाओगे। हाँ, इसके लिए होता है आपको हमारे इस वीडियो को होता है प्रॉपरली रूप से होता है कंप्लीटली वॉच करना पड़ेगा। हाँ, तो चलिए बिना टाइम से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करो तो हमारे चैनल टेक्निकल मास्टर को सब्सक्राइब कर लेगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। आपके मन में कोई सवाल या डाउट रहता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन होता है टेलीग्राम हेल्प ग्रुप भी दिया हुआ है, उसको ज्वाइन करके अपने सवाल को पूछ भी लीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है और ओपन कर लेने के बाद आपको इसके सर्च बार में चले आना है। आप यहाँ पे देखिए कि आपने गूगल क्रोम के थ्रू आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी चीजें को सर्च किए सारा का सारा लिस्ट जो होता है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। फिर किसी प्रकार मैंने भी यहाँ पे कोई ना कोई चीज को सर्च किया और यहाँ पे वो सारे हिस्ट्री जो होता है यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जैसे कि करी फीस हो गया, पिक्सावे हो गया, फिर उसी प्रकार आपके गूगल क्रोम में भी देखने को मिल रहा है। आप कभी कभी अपने गूगल क्रोम के थ्रू कोई अटपटी चीजें, कोई उल्टे सीधे वीडियो जो होता है जरूर सर्च कर लेते होंगे और बाद में चलकर होता है आप उसके हिस्ट्री में जाकर होता है उसके हिस्ट्री को जाकर आप डिलीट कर देते होगे और आपको लगता होगा कि आपने जो भी चीज को सर्च किया वो परमानेंटली डिलीट हो चुका है। लेकिन मेरे भाई, अब वो जमाना लद गया। अब एक छोटे बच्चे को भी पता चल गया कि हिस्ट्री को डिलीट करने से इसका कंप्लीट हिस्ट्री होता है जड़ से नहीं डिलीट होता होगा। आप देखो क्या करते होगे। सबसे पहले मैं तो इसे बैक हो जाता हूं। आप जो होता है टॉप में आपको 3 डॉट देखने को मिल रहा होगा, आप 3 डॉट पे क्लिक करते होगे। क्लिक करने के बाद आपको 3रे नंबर पे होता है एक हिस्ट्री का ऑप्शन देखने को मिलता होगा और आप इस हिस्ट्री वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते होगे। तो आप देखते हो कि जितने सारे चीज जो था आप जो था गूगल क्रोम के थ्रू सर्च करते होगे आपको सारा का सारा लिस्ट जो था इस हिस्ट्री वाले पेज में देखने को मिल जाता होगा और आप जो था जिस चीज को सर्च किए उस पर टैप करके जो था आप उस चीज को डिलीट कर देते हो और आपको लगा काम तमाम हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। इस चीज को हटाने के लिए आपको सबसे पहले आपको गूगल का माई एक्टिविटी में जाकर जो था उस चीज को डिलीट करना होगा, तभी वो चीज जो था जड़ से डिलीट होगा। तो करना कैसे, तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो कि जब आप इस पेज को ओपन किए यहाँ पर आपको टॉप सेक्शन में कुछ लिखा देखने को मिल रहा है और आपको यहाँ पर जो है myactivity.google.com करके ये लिंक बना हुआ है और आपको इस ऑप्शन पे एक बार क्लिक कर देना है। और जब आप उस पर क्लिक करोगे ना तो ये रिडायरेक्ट कर जाएगा एक नए वाले पेज पे और जब आप इस पेज पे आओगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि आपने गूगल के थ्रू या फिर गूगल वॉइस सर्च के थ्रू क्या क्या चीज को सर्च किया है। तो सबसे पहले तो आप इस पेज पे आ गए हो। इस पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पर जो है एक सेक्शन देखने को मिल जा रहा है जहां पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जो कि है वेब एंड ऐप एक्टिविटी। इस ऑप्शन पे आपको एक बार टैप कर देना है। जब आप उस ऑप्शन पर टैप करोगे तो ये अगेन जो होता है आपको दूसरे पेज पे ले जाएगा। इस पेज को आपको स्क्रॉल डाउन होते हुए नीचे चले आना है। जब आप इस पेज को स्क्रॉल करके नीचे की ओर आओगे ना तो यहाँ पर आपको सी एंड डिलीट एक्टिविटी वाले सेक्शन में जो होता है आपको गूगल का होता है मल्टीपल्स वर्जन देखने को मिल जाएगा, जैसे कि गूगल का वॉइस सर्च, गूगल का गूगल क्रोम या फिर गूगल का जो होता है इमेज सर्च। आप जिस भी थ्रो जो होता है कोई भी अटपटे चीज, अटपटा वीडियो जो होता है जिस भी थ्रू जो होता है, चाहे गूगल वॉइस के थ्रू या फिर गूगल क्रोम के थ्रू या फिर गूगल इमेज के थ्रू जो होता है, जिसके थ्रू जो होता है आप उस चीज को सर्च किए तो सबसे पहले होता है यहाँ पर उस चीज को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के रूप में होता है गूगल वॉइस सर्च को ही सिलेक्ट करके दिखाता हूँ आपको। और आप जब गूगल के वॉइस सर्च के थ्रू आओगे ना तो यहाँ पर आप देखियो कि गूगल वॉइस के थ्रू आपने जो था जो जो चीज को होता है जिस जिस टाइम में आप सर्च किए सारा का सारा हिस्ट्री होता है आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। आपको समझ में आ गया कि वहां पर जो था आपने जो भी हिस्ट्री को डिलीट किया उसके डिलीट करने के बावजूद जो था ये हिस्ट्री था माई एक्टिविटी वाले सेक्शन में नहीं डिलीट हुआ। अगर आप जो है गूगल क्रोम के थ्रू कोई भी चीज को सिलेक्ट किए सबसे पहले तो पहले इसको टॉप में चले आना और टॉप में चले आने के बाद जो है आपको यहाँ पर सेव टू वेब एंड ऐप एक्टिविटी वाले ऑप्शन को फिर से सिलेक्ट कर लेना है। तो आप फिर से बैक हो जाओगे वेब एंड ऐप एक्टिविटी वाले पेज में। अगर आपने होता है गूगल क्रोम के थ्रू अगर आपने सर्च किया होगा तो आपको सी एंड डिलीट एक्टिविटी वाले पेज में होता है आपको गूगल क्रोम को सिलेक्ट कर लेना है।
तो आप रिडायरेक्ट कर जाओगे गूगल क्रोम के माई एक्टिविटी वाले पेज में। तो यहाँ पर आप देखियो कि गूगल क्रोम के थ्रू आपने जो जो चीज को सर्च किया होगा वो सारा का सारा हिस्ट्री था यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। तो आप समझ गए कि आप जो है गूगल वॉइस के थ्रू या फिर गूगल क्रोम के थ्रू जो भी चीज सर्च किए होगे वो बिना माई एक्टिविटी को डिलीट किए हुए डिलीट नहीं हो सकता है। तो अब बारी आती है इसको डिलीट करने की। यहाँ पर आपको होता है आप जब आप इस पेज को होता है टॉप में स्क्रॉल करते हुए ले जाओगे ना, तो यहाँ पर आपको होता है राइट साइड में होता है डिलीट का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा और आपको इस डिलीट वाले ऑप्शन पे एक बार होता है टैप कर देना है। जब आप इस पर टैप करोगे तो आपको पॉप अप करके एक पेज देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आपको होता है अगर आप कस्टम डेट को सिलेक्ट करना चाहते हो, अगर कस्टम दिन में कोई भी आप गंदे वीडियो को सर्च किए तो उस डेट को आपको सिलेक्ट कर लेना है, या फिर अगर आप चाहते हो कि पूरे हिस्ट्री को डिलीट कर दें तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना डिलीट ऑल टाइम वाले ऑप्शन को। जब आप डिलीट ऑल टाइम वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे यहाँ पर आपसे पूछेगा कि क्या आप जो है क्रोम हिस्ट्री को परमानेंटली रूप से डिलीट करना चाहते हो। देखो यहाँ पर आपको होता है डिलीट नाउ के जस्ट नीचे लिखा हुआ परमानेंट डिलीटेड। तो अगर आप चाहते हो कि डिलीट करना चाहते हो, अरे भाई यही तो करना है, तो आपको बॉटम में होता है डिलीट का ऑप्शन होगा और आपको डिलीट वाले ऑप्शन पे एक बार होता है टैप कर देना है। तो आप देखियो कि जो आपका जो डिलीट का प्रोसेस होता है सक्सेसफुली हो चुका है और यहाँ पर आपको होता है एक अलर्ट भी दे दिया है कि आपने जो चीज सर्च किया था, एक्टिविटी को सर्च किया था, वो परमानेंटली डिलीट हो चुका है और आपको बॉटम में जो है गॉट इट करके एक ऑप्शन होगा, आपको उस पर टैप कर देना है। तो आप देखे हो कि जब इस पेज को आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आपने गूगल क्रोम के थ्रू जो आपने सर्च किया उसकी सारी हिस्ट्री जो है डिलीट हो चुकी है, यहाँ पर आपको नो एक्टिविटी देखने को मिल रहा है। अगर आपने जो है गूगल वॉइस के थ्रू कुछ आपने सर्च किया होगा तो आपको जो है फिर से सेविंग टू वेव एंड ऐप एक्टिविटी वाले ऑप्शन को जो है सिलेक्ट कर लेना, जो कि आपको पहले नंबर पर देखने को मिल रहा है और आपको उस पर टैप कर देना है। जैसे ही आप उस पर टैप करोगे तो आप पहुंच जाओगे गूगल वॉइस के माई एक्टिविटी वाले पेज में। यहाँ पर आप देखियो कि गूगल वॉइस के थ्रू आपने जिन जिन चीज को सर्च किया सारा का सारा हिस्ट्री होता है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप इन चीज को भी डिलीट करना चाहते हो तो आपको राइट साइड में होता है डिलीट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है और आपको उस पर टैप कर देना है। तो आपको पॉप अप करके होता है एक पेज देखने को मिल जा रहा है, आप अपने अकॉर्डिंग जो है कस्टम डेट या फिर ऑल टाइम को सिलेक्ट करके होता है इसकी हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हो। यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ डिलीट ऑल टाइम क्योंकि मुझे पूरी हिस्ट्री को डिलीट करना है। यहाँ पर आपको आगे एक नया पेज देखने को मिल जाता है। अगर आप इमेज सर्च को भी डिलीट करना चाहते हो तो इमेज सर्च में आपको चेक मार्क रहने देना है। अगर आप गूगल वॉइस को डिलीट करना चाहते हो आपको गूगल वॉइस में भी चेक मार्क रहने देना है। इन दोनों को सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको बॉटम में था नेक्स्ट का ऑप्शन है, उस पर आपको टैप कर देना है। जैसे ही आप उस पर टाइप करोगे आपसे फिर से एक कंफर्मेशन पूछा जाएगा कि आप इस हिस्ट्री को डिलीट करना चाहते हो। यस भाई इसको डिलीट ही करना है और आपको बॉटम में था डिलीट का ऑप्शन होगा, इस ऑप्शन को भी आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो आप देखे हो कि गूगल वॉइस के थ्रू आपने जिन जिन चीज को सर्च किया था उसकी हिस्ट्री तक सक्सेसफुली डिलीट हो चुकी है। आई होप दोस्तों कि आज की इस वीडियो को वॉच करने के बाद जो था आपने गूगल के सारे हिस्ट्री को था कंप्लीटली रूप से डिलीट करना था आपने सीख लिया। अगर सीख लिया तो इस वीडियो को ज्यादा लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके शेयर से होता है कि नहीं अनदर का प्रॉब्लम होता है सॉल्व हो सके। हाँ आपके मन में होता है कोई भी सवाल या डाउट रहता है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन होता है टेलीग्राम हेल्प ग्रुप दिया उसको ज्वाइन करके तो आप अपने सवाल को पूछ भी सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं, लेकिन हाँ वीडियो को प्लीज भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए होता है फ्यूचर बना सकता है। तो आपका सब्सक्रिप्शन होता है कितना इंपॉर्टेंट। थैंक यू, टेक केयर।